हेलो, वेलकम थोड़े अपने चैनल मेहनती बच्चे च। अज आपां पंजाब हिस्टरी का पार्ट ए डिस्कस करन जा रहे हैं। अज दी वीडियो दे विच आपां गुरु गोबिंद सिंह जी दे बारे पढ़ांगे। ओके, इस तो पहला 7 वीडियोज़ दे विच फस्ट 9 गुरु जी दे बारे आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो वो सब स्टूडेंट्स जो फस्ट टाइम ये वीडियो नू देख रहे हैं, फस्ट वाली वीडियोज़ भी जरूर देखो, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भी चैनल को सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब करो तो बैल आइकन टैप करो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम थोनू मिलती रहे। ओके, सो अज का लैक्चर स्टार्ट करते हैं। अज आप गुरु गोबिंद सिंह जी के लाइफ के बारे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू न पता होने चाहिए हैं वो सब देखा। गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी 10th ते लास्ट गुरु जी हैं। ओके, नेक्स्ट फैक्ट है गुरु जी का बर्थ कित्थे होया। गुरु जी का बर्थ होया, इन्हां दी डेट भी बतानी चाहिए है, 22 दिसंबर 1666 नू कित्थे, एट पटना बिहार दे विच। ओके, पटना बिहार। नेक्स्ट गुरु जी दे फादर दा नाम गुरु तेग बहादुर जी। ते गुरु जी दे मदर दा नेम माता गुजरी। ओके, नेक्स्ट फैक्ट है कि गुरु जी जो गुरु जी बने उदो उन्हां दी एज किन्नी सी। जो गुरु जी गुरु बने उन्हां दी एज सी 9 ईयर्स दी। ओके, नेक्स्ट फैक्ट है कि गुरु जी ने केड़ी जगह नू फाउंड किता। गुरु जी ने फाउंड किता पोंटा साहिब। ओके, नेक्स्ट है कि गुरु जी नू केड़ी केड़ी लैंग्वेजिज हैं जिन्हां दे बारे नॉलेज सी। यह भी क्वेश्चन आया एक बार पंजाब दे एग्जाम दे विच। सो लैंग्वेजिज हैगिया ने संस्कृत, नेक्स्ट इज परजियन, हिंदी एंड पंजाबी। ओके, नेक्स्ट फैक्ट है एक बार पंजाब दे एग्जाम्स दे विच क्वेश्चन आया सी कि ऐसे केड़े गुरु जी ने जिन्हां ने बाय हार्ट वोल आदि ग्रंथ नू याद किया है। सो ने गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने लर्नड बाय हार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा लिखवा रही हूँ, द वोल ऑफ आदि ग्रंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है कि गुरु जी के कंपोजिशन केड़िया केड़िया ने। सब तो इंपॉर्टेंट उन्हां दी ऑटोबायोग्राफी, नाम है बचित्र नाटक। ठीक है, इहदे उपर क्वेश्चन आ जांदा है कि की है गुरु जी दी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब उन्होंने खुद अपनी लाइफ के उपर जीवनी मतलब अपनी लिखी हुई है उन्होंने। ओके, नेक्स्ट है जिहड़ी सब तो इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है वह हैगी है चंडी दी वार। इहदे उपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है दसम ग्रंथ, चौबीस अवतार, नेक्स्ट वन इज अकाल उस्तत, नेक्स्ट कंपोजिशन है खालसे दी महिमा,
एंड सब तो आखिरी च है जफरनामा। जफरनामा गुरु जी ने औरंगजेब नू एक लैटर लिखी सी। ओके ये भी याद ही रख लियो, जफरनामा ZAFARNAMA जफरनामा। जफरनामा बेसिकली की है अ लैटर जिहड़ी गुरु जी ने लिखी सी किनू, औरंगजेब नू। ओके इहदे बारे क्वेश्चन बहुत पूछा जांदा जफरनामा बारे कि किनू लिखी गई सी, औरंगजेब नू। किन्ना ने लिखी सी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने। ओके ते पर्जियन दे विच लिखी हुई सी, पर्जियन। नैक्सट जिहड़ा पॉइंट आ हैगा गुरु जी दे सन दा नाम, की नाम सी गुरु जी दे? चार बेटे सी ना, कौन कौन सी? साहिबजादा, जोरावर सिंह, नेक्स्ट है साहिबजादा जुझार सिंह। ओके नेक्स्ट इज साहिबजादा फतेह सिंह एंड नेक्स्ट इज साहिबजादा अजीत सिंह। इन्हों के नाम याद रखने हैं इंपॉर्टेंटली। ओके उस बाद नैक्सट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो गुरु जी की लाइफ के बारे पता होना चाहिए वह हैगा कि ऐसा केड़ा सिस्टम है जिन्हों गुरु जी ने अबॉलिश करवाया सी। सिस्टम जिहड़ा गुरु जी ने अबॉलिश करवाया सी केड़ा सी? ओ मसन सिस्टम पढ़िया सी ना। मसन सिस्टम केड़े गुरु जी ने इंट्रोड्यूस किया सी? गुरु रामदास जी ने। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने मसन सिस्टम नू अबॉलिश करवाया, मतलब खत्म करवाया। सो केड़ा सिस्टम है? मसंद। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। ओके मैं सो गुरु रामदास जी ने इंट्रोड्यूस किया तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने मसंद सिस्टम नू अबॉलिश करवाया। क्यों? क्योंकि जिहड़े मसंद सी ना उन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन करनी स्टार्ट करती सी, तो गुरु जी ने सिस्टम नू ही खत्म करवाता। ओके तो उन्होंने कहा कि हुण तो मैं जिहड़े सिख ने उन्होंने डायरैक्ट रिलेशन रखूँगा, विच कोई भी मसंद नू नहीं आ, मतलब मसंद सिस्टम तो खत्म कराता। ठीक है, पहला क्या हुंदा सी कि मसंद गुरु जी के मैसेजिस पहुँचाते सी, बट हुण गुरु जी ने मसंद सिस्टम नू खत्म कराता क्योंकि वह करप्ट हो गए सी। गुरु जी ने मसंद सिस्टम नू खत्म किया तो कहा कि हुण जिहड़े सिख है उन्होंने मेरा मैं अपना डायरैक्ट कॉन्टैक्ट रखूँगा। ओके नैक्सट है, हुण नैक्सट आप पढ़ते हैं कि खालसा का बर्थ किवें होया, बर्थ ऑफ खालसा। ओके देखो 1699 दे विच खालसा नू फाइनल शेप दित्ती गई, मीनस कंक्रीट फॉर्म दित्ती गई। ओके होया किवें? देखो 1699 दे विच विसाखी वाले दिन जिहड़े सारे सिख सी वो आनंदपुर साहिब, प्लेस भी याद रखनी है भी कित्थे कट्ठे होए हुए सी, आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब दे विच सारे इकट्ठे होए सी न्यू ईयर सैलीब्रेट करन दे लई। ओके ते उस टाइम गुरु जी ने सारयां नू मैसेज पहुँचाया सी भी जेड़ा भी आ सकदा है ये फैसटिवल नू अटेंड करन दे लई आओ। ठीक है, तो जिहड़ी उस टाइम की गैदरिंग सी उस वक्त की जिहड़ी आनंदपुर साहिब 1699 च उस दिन लगी हुई सी, वो कुछ डिफरेंट सी। क्यों डिफरेंट सी? क्योंकि एक तो गुरु जी ने सारयां नू कहा आन दे लई। ओके ते दूसरा उस दिन गुरु जी सब दे अगे सैफरन कलर दी पोशाक पा के ते उन्हां दी वेस ते ब्लू कलर दा बैंड लग्या होया सी उस दिन, ओह ते उन्हां दे लैफ्ट साइड ते तलवार लटकी हुई सी। ओह सब दे अगे आए ते उन्हां ने अपनी तलवार नू रेज करदे होए कहा कि मैनू 5 हैड्स चाहिए ने सैक्रीफाइस दे लई। ओके ओह 5 बंदे जिहड़े कि अपना सैक्रीफाइस देण दे लई तैयार हो गए, उन्हां नू की बोलिया गया? 5 प्यारे। ओके ते गुरु जी ने की कहा कि गुरु जी ने फिर उन्हां नू भी अपने नाल दी जिहड़ी जिवें सैफरन कलर दा गुरु जी ने पोशाक पाई हुई सी उवें उन्हां नू भी गुरु जी ने पोशाक पाती। तो गुरु जी ने की कहा कि अज तो जिहड़े 5 प्यारे ने एक ही रिप्रजेंट करांगे खालसा नू। ओके ते उस दिन तो ही जिहड़े मेल मैंबरस है उन्हां नू सिंह दी सरनेम दिता गया। तो नैक्सट ही उन्हां नू ये कहा गया कि वह 5 जिहड़ी सिंबल्स हैं उन्हां नू ओह वीयर करनगे, जिन्हां नू आपां 5 केस भी बोलदे हां। ओह केड़े केड़े 5 केस ने इन्हां बारे भी पता होना चाहिए है। 5 केस केड़े केड़े ने? केश, कंगा, कड़ा, कशहरा एंड लास्ट वन इज़ किरपान। ओके ये 5 केस इन्हां नू बोलिया जांदा है।
इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि 5Ks की है। ओके सो एक होर गल हूँ वह परसन के नेम भी याद होने चाहिए जो अपना सैक्रीफाइस देने दे तैयार हो गए से इन्हों उपर भी क्वेश्चन आते रहते हैं। सब तो पहला जो रेडी हुए थे उन्होंने नाम है दया राम, दया राम, फिर बाद उन्हों का नाम की हो गया क्योंकि सिंह की उपाधि दे दी गई सी ना दया राम सिंह। ओके भाई दया राम सिंह सॉरी भाई दया राम सिंह। ओके तो नाल इन्हों का ऑक्यूपेशन भी पता होना चाहिए एक ही सी खत्री सी लाहौर तो अखत्री फ्रॉम लाहौर। ओके नेक्स्ट है सेकंड धर्मदास, धर्मदास धर्मदास जी आप की लिखांगे भाई धर्म सिंह। ओके भाई धर्म सिंह जाट, जाट सी दिल्ली दे। ओके नेक्स्ट थर्ड है मोकम चंद, मोकम चंद, मोकम चंद नू भाई मोकम सिंह जी बोलोंगे। ओके बाय प्रोफेशन एक ऐसी प्रिंटर, अ प्रिंटर ऑफ द्वारिका, द्वारिका दे रहन वाले सी, गुजरात च है ना द्वारिका। ओके नेक्स्ट फोर्थ है साहिब चंद, साहिब चंद की बोलांगे भाई साहिब सिंह। ओके जेड़े भाई साहिब सिंह सी बाय प्रोफेशन की सी बारबर, फ्रॉम कितों के रहने वाले सी फ्रॉम बिदार, बिदार ये है कितने बिदार कर्नाटका च है। ओके फिफ्थ है हिम्मत राय, हिम्मत राय इन्हों बोलांगे भाई हिम्मत सिंह। ओके एक ही सी वाटर कैरियर, बाय प्रोफेशन अ वाटर कैरियर, तो कितों के रहने वाले सी फ्रॉम जगन्नाथ, जगन्नाथ सुने होगा ना जगन्नाथ मंदिर भी है उड़ीसा च है, जगन्नाथ टेंपल, जगन्नाथ उड़ीसा च प्लेस है। ओके जगन्नाथ सो इन्हों बोलते हैं पंच प्यारे, सीधा आजूगा भी किन्हों पंच प्यारे बोलिया जाता है, ये पंच जाने ने। ओके इन्हों के नाम थोनू याद होने चाहिए। नैक्सट हूँ पढ़ते हैं आप, देखो जो गुरु जी दैटल्स ने ना वो उपर मैं थोड़ा MCQs करवाऊंगी नैक्सट भीडियो के। सो गुरु जी की बैटल्स बारे आप वीडियो डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज वो उपर जैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं थोड़ा वह दस दूँगी, तो ही जिमें हम अपना गुरु जी वाला टॉपिक खत्म हो गया 10 गुरु जी आपने पढ़ ले, ठीक है कि गुरु जी की लाइफ बारे आपको की पता होना चाहिए वो सारा देख लिया। हूँ वो उपर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं या पेपर च आए हुए हैं वो भी आप एक बार डिस्कस कर लेंगे नैक्सट भीडियो के। तो बैटल्स उपर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं थोड़ा करवा दूंगी। ओके MCQ की फॉर्म के। सो नैक्सट पढ़ते हैं, देखो जिहड़ी गुरु जी की लास्ट बैटल से बैटल ऑफ खिदराना सी, बैटल ऑफ खिदराना तो बाद गुरु जी कितने चले गए से ये उपर भी क्वेश्चन आता है, वो प्लेस का नाम है तलवंडी, तलवंडी साबो। ओके एक तुसी होर याद रखना है तलवंडी साबो नू की बोलना है, वैसे डिस्ट्रिक्ट वाली वीडियो च मैं करवाया होया तलवंडी साबो नू, दमदमा साहिब भी बोलते हैं। नैक्सट होर की बोलते हैं गुरु की काशी। ओके याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वैसे एक करवाया होया थोनू ये चीज़ जो डिस्ट्रिक्ट वाली वीडियो करवाई सी, तलवंडी साहब नू दमदमा साहिब भी बोलते हैं तो गुरु की काशी भी बोलते हैं। ओके गुरु जी तलवंडी साहब चले गए तो इतने वो 9 months के लिए रहे, तो इतने उन्होंने की किया इतने गुरु जी ने दसम ग्रंथ नू इतने गुरु जी ने क्रिएट किया सी। ओके दसम ग्रंथ ये तो इंपॉर्टेंट प्लेस है दसम ग्रंथ, ठीक है याद रखना है कि दसम ग्रंथ की रचना गुरु जी ने कित्थे की तलवंडी साबो दे विच। ओके नैक्सट इंपॉर्टेंट
पॉइंट पढ़ते हैं। देखो हुण की होया, हुण औरंगजेब की हो जाती है डैथ। तो डैथ के कारण कि अगला राजा कौन बनूगा, जो उन्होंने बेटे हैं औरंगजेब के जो बेटे हैं उन्होंने लड़ाइया होने लग जाए भी नैक्सट राजा किने बनना है। ओके, सो गुरु जी ने उन्होंने किहड़े बेटे की तो किहड़े बैटल के हैल्प की सी ये पता होनी चाहिए है। गुरु जी ने औरंगजेब के किहड़े बेटे की हैल्प की सी, उहदा नाम हैगा बहादुर शाह। ओके, नैक्सट है किहड़ी बैटल च कीती, बैटल ऑफ जजाऊ। ओके, जजाऊ की बैटल च बहादुर शाह की गुरु जी ने हैल्प की सी। ओके, सो ये वाली बैटल च जिहड़ा बहादुर शाह से वह जित गया से, सो औरंगजेब तो बाद बहादुर शाह राजा बन गया। सो राजा बनन तो बाद बहादुर शाह ने गुरु जी नूं इनवाइट किया ताकि गुरु जी नूं सम्मानित किया जाए। कित्थे किया सी? आगरा दे विच। ठीक है, उत्थे गुरु जी नूं उहने सम्मानित तां किया पर गुरु जी दे जिहड़े साहिबजादे सी उहनां नूं वजीर खान ने मरवाता सी, पर उहते उहनां ने पर उहते वजीर खान ते बहादुर शाह ने कोई एक्शन नहीं लिता। ओके, सो उह तों बाद गुरु जी कि जदों गुरु जी नंदेड़ दे विच गए, ओके, उत्थे उन्हां ने एक बैरागी सी जिन्हां दा नाम सी माधो दास, जिहड़े अगे जाके माधो दास किन्हां दा नाम सी बंदा सिंह बहादुर जी है ना, उन्हां दा पहला नाम सी माधो दास। ओके, सो गुरु जी ने माधो दास नूं कन्वर्ट किया सिखिज़म दे विच। ये क्वेश्चन बहुत आंदा है कि किन्हां नूं कन्वर्ट किया सी गुरु जी ने, माधो दास नूं। ओके, ते गुरु जी ने फिर माधो दास ने कित्थे भेजिया, पंजाब दे विच वजीर खान तो बदला लैन दे लई, वजीर खान नूं मतलब मारन दे लई। ओके, क्योंकि बहादुर शाह ने तो कुछ किया नहीं, सो गुरु जी ने माधो दास नूं भेजिया सी पंजाब दे विच ताकि वह वजीर खान नूं पुनिश कर सके बेसिकली। ओके, उस तो बाद नैक्सट फैक्ट है कि जदों गुरु जी नंदेड़ च सी उस टाइम ते की होया, दो पठान नाम उन्हां दे पता होने चाहिए है। पहला हैगा जमशेद खान एंड सेकंड वन इज वासिल बेग। ठीक है, ये दोनों आए। जिहड़ा जमशेद खान है उन्हें गुरु जी नूं स्टैप करता हार्ट लैफ्ट साइड ते, हार्ट दे नीचे। ठीक है, मतलब गुरु जी दे उन्होंने जमशेद खान ने की किया, गुरु जी दे उपर अटैक करता। ठीक है, गुरु जी नूं स्टैप करता। सो स्टैप करन तो बाद जेड़ा उन्होंने स्टिचिज वगैरह लगे, बट कुछ देर बाद बहुत ज़्यादा ब्लड दी फ्लो होने के कारण गुरु जी की डैथ हो गई। सो गुरु जी की डैथ कदों हुई सी ये ईयर पता होना चाहिए है। वो ईयर हैगा 7 अक्टूबर 1708, मतलब इस दिन गुरु जी ज्योति जोत समा गए सी। तो एक होर गल मेन ये याद रखनी है, ज्योति जोत समाण तो पहला गुरु जी ने जिहड़ी लाइन सी परसनल गुरुज की, लाइन ऑफ परसनल गुरुज उन्हूं एंड करता। ओके, तो गुरु जी ने कहा कि अज तो बाद जिहड़े नैक्सट गुरु हैं वह किन्हां नूं मन्या जाऊगा, गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं। ओके, गुरु ग्रंथ साहिब जी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये तुसी याद रखना है। ओके, सो अगर क्वेश्चन आ जाए कि गुरु जी ज्योति जोत कित्थे समाए सी, कदों समाए सी, 7 अक्टूबर 1708, ते प्लेस मैं तुहानूं दस चुकी हाँ नंदेड़। ओके, वो महाराष्ट्र च है बेसिकली। सो अज के लैक्चर आपां गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे पढ़िया, गुरु जी दे बैटल्स रहिंदियां ने, ते मैं तुहानूं कही कि क्वेश्चनस कैसे आते हैं गुरु जी के उपर, वो सारी मैं तुहानूं जो सारी चीज़ा मैं तुहानूं एक वीडियो दे विच प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, इहदे नाल थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जूगी क्योंकि आपां 10 दे 10 गुरु जी बारे पढ़ चुके हैं ना, सो थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जूगी तो थोड़ा पता भी लग जूगा कि किस टाइप के क्वेश्चनस करने हैं। ओके, तो हूँ आप कल तो मॉडर्न हिस्टरी स्टार्ट कर जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है उन्होंने स्टार्ट करन दे लई। सो कल तो मॉडर्न हिस्टरी स्टार्ट करांगे, तो बाद जल्दी ही इकनोमिक्स भी स्टार्ट करांगे, पर कल मॉडर्न हिस्टरी स्टार्ट करांगे सब तो पहला। ओके, तो जिहड़ी पंजाब की हिस्टरी है उन्होंने थोड़े दिनों बाद करांगे, पहला मॉडर्न हिस्टरी खत्म करांगे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अज के लिए इन्ना ही, अपनी प्रैक्टिस अच्छे तरीके नाल करते रहो रीजनिंग दी, नाल ही रिवीजन करते रहो बिकॉज रिवीजन तो बिना कोई फायदा नहीं हुंदा। ओके, सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच, थैंक यू सो मच।